हाय गाइस, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है आपके। क्वेश्चन 1 से 10 तक है जो कि अपन धीरे धीरे करेंगे। जैसे आज दो क्वेश्चन करा देंगे, कल दो लेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, वाट इज द नंबर। तो वो नंबर कौन सा है? तो उस नंबर को अपन मान लेंगे एक्स वाई जेड, जो भी इच्छा है। लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को मान लिया है एक्स। अब ये कह रहा है आपने जो नंबर माना है उसमें से क्या करना है, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने नंबर माना था एक्स, अब x से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं उसको करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्राप्त क्या कर रहे हैं, 1/8 इज इक्वल टू 1/8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आपके ये सॉल्यूशन की लाइन बन रही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को x से किया, 1/2 x माइनस का माइनस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/8। अब लाइक टर्म से एक तरफ कर लेंगे, 1/2 x इज इक्वल टू 1/4, वैसे का वैसा इस साइड में ले गए। अब 8, अब एलसीएम ले लिया, इस सब का क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में आप देखिए 4x, 2 का डिवाइड दिया 8 में, 4 आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 8 का डिवाइड 8 में दिया 1 1 1 जा 1, प्लस का प्लस, 4 का डिवाइड दिया 8 में 2 2 का 2 1 जा 2। अब ये 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 3, ऊपर आ गया 4 नीचे, तो आंसर हो गया आपका 3/4। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहे हैं जो कि आपके दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। ये कह रहा है कि आपके जितनी ब्रेथ है उससे क्या है कि लेंथ है 2 मीटर ज्यादा और डबल से, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, डबल से 2 मीटर ज्यादा। तो अपन ब्रेथ को, ब्रेथ का पता नहीं तो ब्रेथ को मान लेंगे एक्स। सॉल्यूशन है लेट द ब्रेथ ऑफ द पुल बी एक्स मीटर, तो ब्रेथ मानी है पुल की हमने एक्स मीटर। अब देन द लेंथ ऑफ द पुल, अब लेंथ को देखिए जितनी ब्रेथ दे रखी है उसकी ट्वाइस यानी 2x और 2 मीटर मोर देन यानी प्लस 2 मीटर, तो ये हो गई आपके लेंथ। अब रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर पुल का पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड का फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी। पेरीमीटर आपके गिवन है, दिया हुआ है 154 मीटर, तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया इज इक्वल टू 2 का 2। एल आपके दे रखा है एल बी, तो बी आपका था एक्स और एल का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 इज बराबर 2 को अब अंदर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस का प्लस, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4, तो ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब क्या करते हैं, 2x 4x हो गया आपके 6x प्लस 4 का 4। अब आपके लाइक टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, x वाले ले लेते हैं लेफ्ट की तरफ, 6x आपके प्लस का है तो इस साइड में आएगा माइनस 6x इज इक्वल टू प्लस 4 का 4। लेफ्ट साइड में आपके 154, जो राइट साइड में आएंगे तो प्लस का था तो हो गया माइनस का, तो माइनस 6x
154 है आपके माइनस का प्लस का है 4, तो इनका बैलेंस हो गया -150। दोनों तरफ माइनस है, लेफ्ट एंड राइट के साइड में, तो माइनस माइनस हो गए कट। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 150/6, डिवाइड देने पर आपके आ गया 25 मीटर। अब 25 मीटर आया एक्स, एक्स जो कि हमने माना था ब्रिथ, तो ब्रिथ का तो आ गया 25 मीटर। अब आपके लेंथ है, लेंथ में क्या था, 2x प्लस 2, x की वैल्यू आई थी 25, प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 इंटू 25 आ गया 50, प्लस का प्लस, 2 का 2, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। तो ब्रिथ फाइंड कर दी, लेंथ फाइंड कर दी। सो स्टूडेंट्स, आज दो क्वेश्चन करेंगे, दो आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करके नोटबुक में भेजना है। सो थैंक्स।